इधर हार्दिक पांड्या चोटिल होकर बाहर, उधर सुरेश रैना संन्यास से वापसी कर टीम में हुए शामिल। हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के लिए बीसीसीआई ने भेजे 4 नाम। इस दिग्गज के नाम पर रोहित शर्मा है तैयार। इन दो खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 से छुट्टी चाहते हरभजन सिंह, कहा सूर्या और शमी को मिले मौका। आईसीसी वर्ल्ड कप में अब तक कुल 18 मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारत ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत अपना अगला मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 की सबसे मजबूत टीम यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेलने वाली है। इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट के लिए दो बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पहली खबर हार्दिक पांड्या से जुड़ी है तो वहीं दूसरी खबर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना से। भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या बीते 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ जब गेंदबाजी करने आए तो अपने पहले ही ओवर के तीसरे गेंद पर चौका बचाने के चक्कर में चोटिल हो गए, जिसके बाद से वो दोबारा गेंदबाजी करने नहीं आए। और अब हार्दिक पांड्या को लेकर जानकारी आ रही कि 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से वो बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या के बाहर हो जाने के बाद से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। हार्दिक पांड्या दोबारा टीम इंडिया में कब वापसी करेंगे इसके बारे में अभी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं खबर है कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ नाम भेजे हैं। कौन कौन से वो नाम है और रोहित किस नाम के साथ आगे जा सकते हैं, इस बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दूसरी बड़ी खबर जान लीजिए जो सुरेश रैना से जुड़ी है। सुरेश रैना की गिनती भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में की जाती है। उन्होंने अपने करियर के दौरान टीम इंडिया को कई बार अपने दम पर जीत दिलाई। सुरेश रैना ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इंडियन प्रीमियर लीग से भी सुरेश रैना संन्यास ले चुके हैं। हालांकि उनके फैंस आज भी उनको क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं और इसी वजह से सुरेश रैना दुनिया में चलने वाले तमाम लीग में हिस्सा लेते हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 में सुरेश रैना भी हिस्सा लेने वाले हैं, यानी एक बार और उनके फैंस उन्हें लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 में खेलते हुए देख सकते हैं। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर किन खिलाड़ियों को चुना जा सकता है आइए आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट खोज निकाला है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों की लिस्ट कप्तान रोहित शर्मा को सौंप दी है। अब ये सारा मामला रोहित के हाथों में कि वो किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहेंगे। उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शिवम दुबे, विजय शंकर, दीपक चाहर और वॉशिंगटन सुंदर का नाम शामिल है। ये चारों ही खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा होनहार हैं और उनके टीम में शामिल होने से टीम को काफ़ी मजबूती मिलेगी। मगर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के नज़रिए से देखा जाए तो वो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर शिवम दुबे को मौका दे सकते हैं, जिसके पीछे का कारण शिवम का शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन है। शिवम दुबे का हालिया फॉर्म काफ़ी लाजवाब रहा है। उन्होंने पहले आईपीएल 2023 के दौरान चेन्नई की ओर से कमाल का प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही हाल ही में खेले गए एशियाई खेलों के दौरान टीम को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा था। आपको बताते चले कि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, मगर सभी फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हार्दिक ही फिट होकर मैदान पर वापसी कर लें। वहीं भज्जी का मानना है कि हार्दिक की गैर मौजूदगी में नंबर 6 पर या तो ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव होने चाहिए। हरभजन सिंह ने ये प्लान खासकर न्यूजीलैंड टीम के साथ होने वाले मुकाबले के लिए बनाया, क्योंकि यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा जहां तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद मौजूद होती है। इसी वजह से उन्होंने शमी को शामिल करने की सलाह दी और साथ ही ईशान या सूर्या को मौका देने के पीछे कारण उनकी दमदार बल्लेबाजी और मैच खत्म करने की काबिलियत बताया। भज्जी ने कहा, अगर हार्दिक फिट नहीं है तो ये भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है, वो हमारी टीम कॉम्बिनेशन तय करते हैं और अगर वो नहीं खेलते हैं तो आपको इसे बदलना होगा। या तो आप ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को एक बल्लेबाज के रूप में खिला सकते हैं, साथ ही मोहम्मद शमी को लाना चाहिए क्योंकि वो आपको 10 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आखिर कौन सा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर एकदम परफेक्ट होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना लोहा मनवा सके? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।